एवरीवन, आज हम सभी आप सभी के लिए क्लास 10th की वर्कशीट लेके आए हैं। कार्यपत्र 63 है ये। तो ये बच्चों 5 जनवरी का कार्यपत्र है। तो प्यारे बच्चों, आपके प्रश्न पत्र में रचनात्मक कार्य पूरा 20 खंड का आएगा, जो अब आपके बोर्ड और प्री बोर्ड के एग्जाम्स होंगे। तो यहाँ पे कुछ निम्नलिखित पंक्तियां दी है। विभिन्न विषयों और संदर्भों पर विद्यार्थियों को विचार प्रकट करने की क्षमता को परखने के लिए आप लोगों का सबसे पहले 5 अंक का एक अनुच्छेद लेखन होगा आपके एग्जाम्स में। अब अभिव्यक्ति जो एग्जाम दे रहा है उसकी क्षमता पर केंद्रित या तो कोई औपचारिक पत्र आएगा या अनौपचारिक पत्र आएगा। तीसरा विषय ये रहने वाला है कि एक विज्ञापन लेखन आएगा जो कि 25 से 50 शब्दों में आपको लिखना है। और चौथा संदेश लेखन आएगा जो कि शुभकामना, पूर्व तैयारों एवं विशेष अवसरों पर दिए जाने वाले संदेश हैं। तो आप लोगों को ये सभी दे रखे हैं, ये सभी 5-5 अंक के हैं। तो आज हम सभी संदेश लेखन के बारे में जानेंगे। तो रचनात्मक लेखन के प्रत्येक बिंदु के अभ्यास की कड़ी में आज हम संदेश लेखन का अभ्यास करेंगे। प्रश्न पत्र में आपको संदेश लेखन के लिए 2 विषय मिलेंगे। आप अपनी पसंद का एक ही विषय चुनकर लिखेंगे। तो आइए निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 30 से 40 शब्दों में संदेश लिखें। तो यहाँ पे मैं आपको दोनों विषयों पर संदेश लेखन लिख के दिखाऊंगा। पहला संदेश लेखन कैसे लिखते हैं, तो क्या संदेश आप देने जा रहे हैं, सबसे ऊपर वो समय, दिन, कोई संबोधन शब्द में से प्रिय अभिशेषक, प्रिय भाई, फिर विषय वस्तु जो आप लिखना चाहेंगे थोड़ा बहुत, और फिर अपना नाम वगैरह। तो दिवाली पर बधाई संदेश के रूप में समझाया गया, दीपोत्सव बधाई संदेश, 6 नवंबर 2020, टाइम 2:30 बजे, प्रिय अभिशेषक, जगमग दीपों के इस पर्व दीपावली पर आपके जीवन में खुशियां, धन धान्य, सुख शांति और प्रसन्नता का प्रकाश जगमगाता रहे। मंगल कामना के साथ आपको सपरिवार दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं, राजू। तो आइए पहला पत्र लिखते हैं अपनी छोटी बहन के जन्मदिन पर। तो सबसे पहले दिन लिखेंगे और प्रिय बहन सुमन, प्रिय बहन आप कैसे हो, मुझे आपका पत्र मिला और मैं बहुत अच्छा हूँ। आपका जन्मदिन है लेकिन मुझे माफ करना, मैं आपके जन्मदिन पर नहीं आ सकता क्योंकि मेरी परीक्षाएं चल रही हैं, लेकिन मैं गर्मियों की छुट्टियों में आऊंगा। आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, धन्यवाद, आपका भाई रोहन। दूसरा पत्र आपको लिखना है शिक्षक दिवस पे, तो शिक्षक दिवस पे लिख सकते हैं दिन 5 दिसंबर, तो 5 मार्च लिख सकते हैं प्रिय अध्यापक मनोज सर, यहाँ पे 5/9 लिखेंगे, है ना, 5/9/2021, प्रिय अध्यापक मनोज सर, शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं। अध्यापक जी कल अध्यापक दिवस है और मैंने आपके लिए कुछ पंक्तियां लिखी हैं, कृपया इन्हें पढ़े, मुझे अपनी छात्र बनाने के लिए मैं आपका आभारी हूँ, मुझे मेरी सर्वश्रेष्ठ देने की चुनौती देने के लिए और मेरे अंदर सीखने का जुनून भरने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अध्यापक मनोज सर। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं धन्यवाद। फिर तो यहाँ पे लिखेंगे आपका छात्र रोहन। तो इस तरह से आप ये वर्कशीट करेंगे। अब हम मिलेंगे अगली वर्कशीट्स के संग, तब तक के लिए बाय।